नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। कुछ दिनों पहले बिहार में एक बुद्धिजीवी ने सम्राट अशोक पर एक लेख लिखा, जिसको लेकर पूरे देश में हलचल मच गई। फिर इस बात को लेकर बिहार के नेता आमने सामने आ गए और बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल और JDU दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमला खूब किया गया और हालात ऐसे हो गए कि पूछिए मत। उसी कड़ी में अब राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि लगता है कि बिहार में बीजेपी JDU अलग हो जाएंगे। बिहार में बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जनता दल यूनाइटेड को चेतावनी देते हुए कहा कि NDA गठबंधन को मजबूत रखने के लिए मर्यादा का पालन होना चाहिए। संजय जायसवाल ने आगे कहा कि जनता दल यूनाइटेड को गठबंधन धर्म का पालन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के साथ ट्विटर खेलना बंद करना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री के साथ JDU के नेता ट्विटर खेलेंगे तो बिहार के 76 लाख बीजेपी कार्यकर्ता इसका जवाब देना जानते हैं। जायसवाल ने CM नीतीश कुमार की कुर्सी तक का जिक्र कर दिया और कहा कि सम्राट अशोक विवाद पर जनता दल यूनाइटेड के द्वारा लेखक दया प्रकाश सिन्हा से पद्मश्री वापस लेने की लगातार उठ रही मांग बेकार है और इसमें प्रधानमंत्री को घसीटना ठीक नहीं। संजय जायसवाल ने आगे कहा कि उन्होंने दया प्रकाश सिन्हा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई हुई है और बिहार सरकार को चाहिए कि इस FIR के आरोप में उन्हें गिरफ्तार करें और फास्ट ट्रैक कोर्ट में तुरंत सजा दिलवाएं। जायसवाल ने कहा कि उसके बाद चाहे तो बिहार सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति से मिलकर सजा याफ्ता मुजरिम के पद्मश्री को वापस देने की मांग उठा सकता है। इशारों में संजय जायसवाल ने जनता दल यूनाइटेड को चेताते हुए कहा कि गठबंधन में अगर कोई समस्या होती है तो गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं को मिलकर उसका समाधान निकालना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि हालात बिगड़ जाएं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी चली जाए। संजय जायसवाल ने कहा, हम हरगिज नहीं चाहते कि फिर से मुख्यमंत्री आवास 2005 से पहले की तरह हत्या कराने और अपहरण की राशि वसूलने का अड्डा बन जाए। जानकारी देते चले कि बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से करने को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है और जनता दल यूनाइटेड लगातार यह मांग कर रही है कि केंद्र सरकार दया प्रकाश सिन्हा से पद्मश्री वापस ले। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से लेकर अन्य नेता तक लगातार ट्विटर पर दया प्रकाश के पद्मश्री वापस लेने का मुहिम चला रखी है और ट्विटर पर अपनी इस मांग को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति को टैग कर रहे हैं, जो BJP को नागवार गुजर रहा है। सम्राट अशोक मार्ग बृहत और अखंड भारत के निर्माता थे और उनके द्वारा स्थापित अशोक स्तंभ और अशोक चक्र आज विश्वविख्यात ऐतिहासिक धरोहर। वैसे व्यक्तित्व के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना यह कतई सहनीय नहीं और ऐसे व्यक्तित्व के बारे में कोई अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल अगर करता है तो वो विकृत विचारधारा का व्यक्ति है। नई संस्कृति, देश की नई संस्कृति, नई सभ्यता लिखना, ये कहीं से स्वीकार्य नहीं। और जो व्यक्ति इस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल राष्ट्रीय धरोहर के बारे में करता हो वो किसी भी पुरस्कार का हकदार नहीं है, हो भी नहीं सकता। तो इसलिए जिन्होंने भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल प्रियदर्शी सम्राट अशोक कुमार के बारे में किया है उनको जो पद्मश्री पुरस्कार मिला है वो वापस लिया जाना चाहिए। हम महामहिम राष्ट्रपति जी से और केंद्र की सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये मांग करते हैं
कि ऐसे लोगों से पुरस्कार पद्मश्री का पुरस्कार वापस लिया गया। उसी का नतीजा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने हमला कर धमकाया है। अब देखना होगा कि आगे इस धमकी का जवाब कैसे देती है, लेकिन अब दोनों के बीच दरार साफ दिख रहा है। अब देखना होगा कि दरार भरता है या और बढ़ जाता है।